ये दोस्तों प्रीति क्या कर रही हैं, क्या कर रहे बाबू? अपना एब्रो बना एब्रो रही बना रही हैं प्रीति, और कितना क्यूट लग रहे हो यार, क्योंकि फिल्टर मार दी है। है। अबे बात क्यूट की नहीं है, बात इसकी है कि यार अब खुद से बना रही है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ। बताऊँ एक्सपीरियंस क्या एक्जिस्ट, मतलब जो करते रहे उसको उसमें वो मिल जाता है। बोलता है ना, कुछ भी हाँ कुछ भी। बोले। तो प्रीति कहाँ जा रहे हो? जा रहे जा बनारस। रही है बनारस। अच्छा थंबनेल थंबनेल में तो देख ही देखकर लिए जान ही सब। गए होंगे। ये तो प्रीति जा रही है बनारस और इनके साथ जा रही है रितु शर्मा रितु शर्मा, जो कि रो अभी रो कर गुजरी है। रोकर अभी गुजरी। जो काम अरे मैं कर रही वही काम रितु यही की। प्रीति दीदी, हमारा भी यही काम कर रही थी तो इसीलिए ये तो हैं प्रीति और ये हैं प्रीति के हस्बैंड। हाँ होने नहीं वाले हस्बैंड देखना है। नहीं, होने वाले बाबू। अच्छा होले वाला है, हो ही वाला है ही, चाहे हो गई नहीं हो, मैं कौन दूर जाए। ये जे इधर आ, ये देखिए ये जे मेरा दोस्त है जो कि मुंबई से बहुत दूर से आया है बनारस जाने के चलते लिए। चलते आया हूँ मैं मुंबई से, ऐसे चलते चलते आओगे तो नाक में बांस घुस जाएगा। तो कितना अच्छा लग रहा है इसे करके वीडियो बनाने में, देखो। तो चलिए ये दोस्तों आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, व्लॉग नहीं कपल्स बोला जा सकता है इसको, क्योंकि एक क्रेजी सूरज है। और तो चलिए दोस्तों आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और ये देखिए हमारी सिस्टर। फाइनली दोस्तों हम ऑटो के पास आ गए और हमारा इधर सामान देखिए रखा जा रहा है, और इधर प्रीति है और उधर वो है क्या बोलते हैं रीति जी, और ये जी पता नहीं कुछ सुंग रहा है मोबाइल चालू करके। तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आप सबको दिखाएंगे। तो प्रीति कुछ बोलो हमारे चैनल पे क्रेजी सूरज। हम सबके साथ बने रहिएगा। हम लोग का लॉन्ग ड्राइव कैसा होता है? हाँ तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। और तो चलिए मेरी आंख में ये हो गया है बिल्ली, इसलिए मैं चश्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि हवा जो आ रहा है वो दुख रहा है। तो दोस्तों फाइनली उतर गए हैं और ऑटो से, और इधर देखिए भैया बैग उतार रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे ना, कुछ कहे ये बैग वा रख दिए और यहाँ पर देखिए बात विवाद होने लगा है। सर बैठा लो, मैं देखिए यहाँ पर होने लगा तो भाई लफड़ा होने लगा है। चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए यहाँ पर ले जाने के लिए लड़ाई हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। दवा ले लिए और क्या बोल रहे हैं, दवा ले लिए, दवा ले लिए। हाँ तो देखिए यहाँ पर दवा ले लिए और पैसा पे करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। बाय बाय, बने रहिए। हल्का हल्का बूंद पड़ रही है, देखिए आप लोग देखो बारिश हो रही है धीरे धीरे, और हम लोगों को काफी दूर जाना है तो क्या बताएं, हम लोगों को पता ही नहीं। जब घर पे रहो तो कुछ नहीं होता है, जब कहीं निकलो तो बारिश। दोस्तों अभी उतर गए हैं ऑटो पट से, अभी स्टेशन अंदर है तो चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलाते हैं। तो दोस्तों सूरज जी भी पैसा दे रहे हैं और ले रहे हैं। गौरे को है जैसे मान दे, आप गौरे को आप रोते नहीं हो, सूरज ने भाड़ा दे दिया, क्या करना है, मान गया बच्चा। ना किया जाओ पहले बोल दे, 70 रुपये का भैया यार। दोस्तों रीति पानी पूरी खा रही है, नहीं नहीं खा। दोस्तों स्टेशन पे आ गए हैं और रीति हैं। दोपहर के 1 बजे इतना धूप में हम सब स्टेशन पे आ रहे हैं। दिखाते हैं बैक कैमरा करके, देखिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और हम आप सबको अंदर दिखाएंगे क्या क्या होता है। दोस्तों ये सूरज जी हैं और सूरज जी के साथ में एक लड़की आ गई है। क्या कह रही थी, तो फोटो लेने के लिए? दोस्तों कब से बेचारी कह रही है फोटो लेने के लिए। हाँ अरे वाह, देखो हाँ फोटो अच्छा आ गया, अच्छा आ गया, अच्छा है। अभी दिखा रहे हैं चलू। तो दोस्तों आई है बच्ची, कब से पैसा लिया, पैसा लेकर ही खड़ी है, तब से सूरज जी का साथ छोड़ने के नाम में चाय भी पिए, मोबाइल के पीछे पड़ गई है सूरज जी के, मुझे कार्टून दिखाओ कार्टून दिखाओ। यहाँ पर बैठे बैठे बहुत बोरिंग हो गई है, और क्यों हम लोग बैठे हैं? देखो अभी तक मुझे मेरे साथ खेल रही थी और अभी ये जय के साथ खेल रही है, जैसे कि छोटे बच्चे मुझे बहुत प्यारा लगता है।
प्यारे लगते हैं। और मैं रियल बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ रुक गया मेरा, अगर मंथली अच्छा खासा पेमेंट टूटने लगा ना, तो मैं ऐसी लोगों का बहुत ज़्यादा मदद करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे, मैं ये नहीं करता कि कैसा है कैसा नहीं है, मैं अपने करेजे से सता लेता हूँ, क्योंकि इंसान तो सब है एक, बस यही है कि वो कहाँ पला है कहाँ पड़ा है ऐसा। लेकिन अगर हम जैसे इंसान अगर चाहें तो सबको एक जैसा बना सकते हैं। चलिए आप लोग सपोर्ट करिए बस। तो अभी आ गए हैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग आए थे सुबह 11 बजे आ गए थे, और शाम का बज रहा है 8:40, बताइए इतना लेट हो गया है। लेकिन अभी देखो ट्रेन देखा गया, अभी आया नहीं है, अभी आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं। ये जो तो सुखल बब्बूर हो गया है, लेकिन फिल्टर मार दियो गोरा लग रहा है। लोग बनारस पहुँच पहुँच चुके हुए जी। अरे भाई बात मत पूछ मुझसे, तू बता है? तू बता, मैं थका हुआ हूँ, तू बता 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 तू बता। वही देखो ये आराम कर रही है, बनारस रूम में बैठी हुई है, यही रूम है। दिख रहे हैं अपना, इतना बड़ा रूम अंबानी अडानी किसी का भी नहीं होगा। अरे भाई इसमें दिख गया, हम लोग गोरखपुर में ही है कहकर। हाँ तो पता ही है कि हम लोग गोरखपुर में ही है, क्योंकि ट्रेन दो रद्द हो गई, दो रद्द हो गई ना, सुबह 11 बजे से रात को 11 बज रहा है और ट्रेन नहीं मिला। लग रहा है कि स्टेशन पे रात बीतेगा और सुबह हम लोगों को जाना पड़ेगा बस से, और हार नहीं माना जाएगा। यहाँ से मेरा 40 किलोमीटर घर है, लेकिन मैं घर नहीं जाऊँगा, जाना है तो मुझे। और यहाँ लास्ट कहाँ जाना, लास्ट वाला जो बोले थे कि 9 बजे है, 9:25 में, वो भी साला 12 बजे हो गया, वो 12 बजे हो गया। तो बताओ अब जो 11 बजे रहेगा उसमें 5 बजे का बताएगा। तो ठीक है, हम लोग जब तक नहीं रीति तब तक वेट करेंगे। चलोगे कि सोओगे? अभी सो रहे हैं, ट्रेन आएगी। ओए रितु, इन लोग देखिए बताइए, कुछ पाने के लिए इतना परिश्रम कर रही है, देखो झिल्ली पे सो रही है, और आज ऐसा दिन आ गया है, झिल्ली खरीद कर होटल पे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो प्रीति को और ये क्या नाम है, रितु को और एजे खान को ट्रेन मिल गया है, और मुझे ट्रेन नहीं मिला है, तो इन लोग जा रहे हैं। तो एजे बाय बाय, आराम से जाना, ठीक है। प्रीति हमारे बगैर चले जाओगे? हम चले जाए। तो ट्रेन मिल गई है, आइए मिल गया है। और कितने बजे मिला? 12 बजे मिला, ठीक है। सूरज शर्मा और प्रीति कुमारी जी जा रहे हैं, अब देखिए ये हैं प्रीति भाभी जी और भाभी, और ये, अरे भाई क्या कर रहे हो, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, तू इधर आ, बाय बाय बाय, आना नहीं वापस दोबारा। थोड़ा कुछ बता दो इन लोगों को, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? अरे पहले कुछ छोड़ो, अभी टाइम लगने वाली है। क्यों? फिर से बताना थोड़ा क्लोज आकर। स्लीपर में घुसे हुए हैं, बताना मतलब ना जर्नल का लेकर स्लीपर में बैठे हैं ये बता रहे हैं। और ये कौन है, क्या नाम है, लिट्टी चोखा? हमके खाई के बाद। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है लिट्टी चोखा, ये है सूरज शर्मा, और ये है प्रीति कुमारी जी। तो ये सब लोग भाग रहे हैं अब इधर से गोरखपुर छोड़ के, तो इन लोगों को जाने दीजिए, बाकी हम हैं। दोस्तों गोरखपुर स्टेशन से चल दिए हैं, और ये साला थोपड़ा भी दिखाओ, ये जे मरेला बोल रहा है, तेरा दिखा। अच्छा, क्या करके अब साले एक आदमी का मोबाइल गिर गया था, उसी लिए डर लग रहा है मुझे। हाँ तो गाइस हम लोग गोरखपुर से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं कहाँ पता नहीं, बनारस लग रहा है।
चलिए दोस्तों आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए इसमें कमेंट बताइए क्या है साला। ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर ना टोपी पहना है अभी। ये देखिए लार रोड ऐसा ऐसा जगह का नाम है। तो आपको मैं एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ। ये देखिए नाम, देखिए जगह का नाम। ये देखिए ये स्टेशन है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं अभी। बस आप उतरो ना बाबू। तो सुबह हो गया, हम लोग रात को 11 बजे ट्रेन पकड़े। अरे कैसा सुबह, जब रात भर सोए ही नहीं। तो हाँ बनारस बैठे थे, वहाँ गोरखपुर से बनारस के लिए सुबह रात को 11 बजे। और अभी कितना बज रहा है, 5 बज गए। 4:54 हाँ 54 मिनट हो रहा है। और कल निकले थे 11 बजे, मतलब बनारस आने में मुझे 24 घंटा लग गया। कैसा है जग, देखो क्या घंटा वैसे हुआ नहीं, होने वाला है, होने वाला मतलब हो जाएगा, कन्फर्म है हो जाएगा। अभी प्रीति सोई है और रितु भी सोई है और हम लोग भी सोए थे। हमारी आवाजें बता रही होगी कि रात भर हम कमेंट्री कर रहे थे, जागते रहो जागते रहो कहकर। अरे जी पीछे आ, पीछे ही रहा बच गए थे गिरने से जी। हाँ भाई यार नींद में आया ऐसे। चलिए तो आप लोग, हम लोग एक सीक्रेट बात बता रहे हैं कि हम लोग को सीट नहीं मिला था स्लीपर के ऊपर, कुछ नहीं था। हम लोग जनरल का टिकट लिए थे, कोई टिकट ही था ही नहीं, बाकी तो क्या करें, जनरल का टिकट लिए और स्लीपर में घुस गए। लेकिन जो कुछ भी हो बाकी लोगों को मिल गया है, सीट उसमें बैठा दिया है। वहाँ पर भीड़ इतना था कि जिसका सीट था वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। बड़े आराम से, जिसका भीड़ इतना है ना कि जिसका सीट है वो खुद वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, तो सीट लेगा कैसे। चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और हम लोग बैठे थे गेट के, हम लोग बैठे थे गेट के पास, गेट के पास उधर गेट जहाँ वो आदमी बैठा हुआ है। देखो ये आदमी जो बैठा हुआ है रेड कलर का। फाइनली दोस्तों हम बनारस स्टेशन पे आ गए हैं और मैं हमारे और इधर ये देखिए ए हैं और ए हैं, दोनों ए ए हैं। रितु शर्मा है और एजे खान है जो कि ऐंठ रहा है। अभी चक्कर आ रहा था, अभी चक्कर नहीं आ रहा है, साले झूठ बोलता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और चलते हैं वाराणसी स्टेशन। देख लीजिए कैसा नज़ारा है यहाँ का, देखिए। चलिए बाय बाय। तो दोस्तों बैग पीछे से गिर रहा है और एक प्रीति है और कुछ बोलती नहीं हमारे ब्लॉग में। फाइनली आज अब इनके क्या नाम है, रीमा के घर आ चुके हैं और प्रीति गई हैं तुरंत। तो कपड़ा वपड़ा चेंज करके रील बनाना था, इनके रील बनाई हैं। तो ये देखिए प्रीति हैं और ये रीमा जी हैं जिनके हम घर आए हैं और ये बाबू हैं। आपका नाम क्या है बता दो। पुनीत मौर्य। पुनीत मौर्य जी हैं ये और ये नहीं कौन था। तो कैसा लग रहा है आपको? हमको अच्छा लग रहा है इनके घर आके। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये शर्मा जी हैं और ऐसे बस बोल दिए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है सब आए हुए हैं? बहुत अच्छा। हम भी आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि सब लोग हमारे घर आएंगे। हाँ। तो चलिए दोस्तों आप लोग तो वीडियो कैसा है, हाँ क्या बोलिए, हमारे भी चैनल को सपोर्ट करिए। रीमा मौर्य उड़ा दीजिए दबा के, बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर दें। हाँ फाड़ो फाड़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मोनेटाइज्ड है क्योंकि जो मेहनत करता है उनको फल देना बनता है आप सबको। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइए। और एक हमारा भाई है वो पीछे, अबे फैसला अभी तक हुआ नहीं है मेरा परिचय। तो गाना चलने लगा था इसलिए मैं कट कर दिया हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो किस पे पड़ेगा, सूरज बाबू पड़ेगा। मिलते हैं बाय बाय। तो हर हर महादेव सब लोग बोल दीजिए एक बार, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोल दो, हर हर महादेव। चलिए ठीक है। और तुम्हारे में क्या बोलते हैं, तुम्हारे में क्या बोलते हैं? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।